हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मेरा नाम है दीपशिखा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अब रिजल्ट कब आएंगे और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अब संकायों में दाखिलों की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि इसी महीने के लास्ट मतलब सेप्टेम्बर के लास्ट में आपके परिणाम जारी होने के साथ ही अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि सितंबर के लास्ट में आपके रिजल्ट भी आउट हो जाएंगे और अक्टूबर के सेकेंड वीक से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए 24-31 अगस्त और दूसरा 19-28 सितंबर तक चली प्रवेश परीक्षा कि ख़त्म होने के बाद अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतज़ार है। जैसा कि इस बार BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम दो पालियां में थे, एक पाली जो आपके 24-31 अगस्त में चली और दूसरी पाली की एंट्रेंस जो कि 9-18 सितंबर तक चले थे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को सवाल पर आपत्ति करने की आपत्तियाँ मांगी गई हैं। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी हो सकते हैं। तो BHU से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर छोटी बड़ी अपडेट दी जाती है। कई वीडियो अवेलेबल हैं जैसे कि पेड सीट क्या होता है और सभी जितने भी UG के कोर्स हैं उसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं और भी तमाम प्रकार के वीडियो अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और उसके नियमानुसार कमेटी के गठन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग कराने पर भी कुछ संकाय में विचार चल रहा है। तो जैसा भी अपडेट होगा आगे का कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन, ये आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।